आज हम करते हैं विस्कोसिटी में आगे, विस्कस फ्लो में एक ऐसा फिनोमिनन जो कितनी भी ऊंचाई से गिरने पर चींटी को चोट नहीं लगने देता। आप मैं हम में से कोई अगर 2-4 फीट की 10 फीट की ऊंचाई से गिर जाए तो भयंकर चोट लगती है, तकड़ी चोट लगती है। लेकिन आप एक चींटी को पकड़िए, उसे 1 फीट की ऊंचाई से गिरा दीजिए, नीचे जाएगी और चलना शुरू कर देगी। उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता प्लास्टर लगवाने के लिए। आप उसी चींटी को 10 फीट की ऊंचाई से, 2 मंजिल की ऊंचाई से आप छोड़ दीजिए, वो नीचे गिरेगी और चलने लगी आराम से, उसे चोट नहीं लगती। तो चींटी को चोट क्यों नहीं लगती ऊपर से गिरने पर? किस तरह चींटी बच जाती है चोट लगने से? नहीं, मकड़ी तो अलग बात है, मकड़ी तो अपने आप को बीच में भी रोक लेती क्योंकि वो जाला बनाती हुई चलती है, जाले से रुक जाती है। हाँ तो भी ठीक है, वो मकड़ी या चींटी या चींटा छोटी मोटी एक ही बात है। हम अगर गिर जाए तो चोट लगनी लगनी है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर से गिरेंगे उतनी तकड़ी चोट लगेगी। लेकिन आप चींटी को, चींटे को, मकड़ी को कितनी भी ऊंचाई से फेंक दो, वो आराम से तैरते हुए आते हैं जमीन पर और कोई चोट नहीं लगती, चलने लगते हैं फिर आराम से। ये स्टोक्स लॉ है, ये स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ है। और स्टोक ने अपनी लॉ के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। जब बारिश की बूंदें बहुत हल्की हल्की सी आती हैं, फुहार सी पड़ रही है, बस हल्की हल्की सी फुहार सी पड़ रही है, तो वो बूंदें हमें ज्यादा तेज नहीं लगती, हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन जब बूंदें बड़ी मोटी मोटी आ रही हो तो वो बहुत तेजी से चोट लगती है उन बूंदों की चेहरे पर। अगर हल्की फुल्की फुहार चल रही है, आप भागे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत तेज बारिश आ रही है तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे फिर, क्यों? क्योंकि उनसे चोट लगती है। इसी तरह ओला है, अगर एक छोटा सा, छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सहन हो जाएंगे। लेकिन अगर मोटे मोटे ओले गिरने लगे तो फिर तो भागना पड़ेगा इससे बचने के लिए, वो इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो क्यों ये चेंजेस होते हैं, क्यों चींटी को, मकड़ी को, चींटे को चोट नहीं लगती, क्यों ये छोटी छोटी पानी की बूंदें हवा में धीरे धीरे नीचे गिरती हैं? या कभी कभी तो आपने देखा होगा बहुत बारीक बारीक सी फुहार है तो वो फुहार बस हवा में तैरती हुई सी लगती है, गिरती भी नहीं है, तैरती हुई सी लगती है। या कोहरा है, कोहरा भी तो एक छोटी छोटी पार्टिकल है, कोहरा छोटे छोटे पार्टिकल है बर्फ के, वो भी गिरते नहीं है, बस तैरते रहते हैं आज जमीन में। या बादल है, बादल है, बादलों में पानी होता है, इतना सारा पानी होता है बादलों में, इतना सारा पानी होता है कि बादल ला देता है, बादल तहस नहस कर देता है जहां बादल फट जाए। लेकिन खुद बादल जमीन पर क्यों नहीं गिरता, खुद बादल जमीन पर क्यों नहीं गिरता? पानी तो नीचे बरसा देता है ये, लेकिन खुद बादल क्यों आसमान में बना हुआ है? ये सारे के सारे हम समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट से, ठीक है। हेडिंग डालते हैं स्टोक्स लॉ, STOKES, STOKES, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है समझते हैं पहले हम स्टोक्स लॉ को, हालांकि इसकी पूरी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बॉल, एक बॉडी, बॉडी भी हम किसकी बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। एक स्फेरिकल बॉडी है और ये किसी फ्लूइड में गिरती हुई जा रही है, ये स्फेरिकल बॉडी है और नीचे की तरफ गिर रही है, किसमें गिर रही है, एक लिक्विड के अंदर गिर रही है, एक फ्लूइड के अंदर गिर रही है। एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ये लिक्विड है या कोई एयर है, गैस है, फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर ये गिर रही है लगातार। तो क्या बनेगी कंडीशन कि इस फ्लूइड के जो भी मॉलिक्यूल, ये एक स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर या किसी गैस के अंदर, फ्लूइड के अंदर गिर रही है नीचे की तरफ,
तो फिर इस फ्लूइड के, इस लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल चिपक गए आपकी इस बॉडी के साथ, वो बॉडी के साथ साथ नीचे गिरने लगेंगे। इसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल जस्ट इन कॉन्टेक्ट है, ये बिल्कुल स्पीड ऑफ बॉल या स्पीड ऑफ स्फीयर बॉडी के बराबर स्पीड से नीचे गिर रहे हैं बॉडी के साथ। लेकिन इसके बाद यहां का अगर देखोगे आप, तो ये वाले पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये वाले मॉलिक्यूल्स जो दूर हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रुके हुए हैं अपनी अपनी जगह। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को खींचकर अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश में है, विस्कस ड्रैग लगा रहे हैं, लेकिन इनके गिरने की वेलोसिटी, इनके चलने की वेलोसिटी कम होगी कुछ। इसके और दूर के मॉलिक्यूल्स कुछ और कम वेलोसिटी चल रहे होंगे, उसके दूर के मॉलिक्यूल कुछ और कम वेलोसिटी चल रहे होंगे, और ये वाले मॉलिक्यूल्स चल ही नहीं रहे होंगे। क्या हुआ? डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया यहां। क्या डेवलप हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां डेवलप हो गया। समझ आए इतनी बात? अब जब वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया, तो फिर ये वाली लेयर जो कम वेलोसिटी चल रही है, ये तेज चलने वाली लेयर को खींच कर रोकने की कोशिश में, और ये तेज वाली लेयर अपने बराबर वाली लेयर को जो कम चल रही है उसे खींच कर अपने साथ तेज ले जाने की कोशिश में, विस्कस ड्रैग डेवलप हो गया। विस्कस ड्रैग डेवलप हो गया और ये विस्कस ड्रैग इस आपके इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा नीचे गिरने में। सीधी सीधी सी बात है, अगर आपने इस बॉडी को यहां यूं गिरा दिया, आराम से गिर गई, इसी चीज को अगर आप पानी में गिराओगे तो उतना तेजी के साथ नहीं गिरेगी। क्यों? क्या इस पर ग्रेविटी कम हो गई? अब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया? नहीं भाई, वो जो कहती हुआ है। अब इसके ऊपर उस लिक्विड की एक विस्कस ड्रैग लग रही है जो कि इसके मोशन को अपोज करता है। और स्टोक ने कहा कि ये विस्कस ड्रैग कितना होता है? ये विस्कस ड्रैग होता है F इक्वल 6 pi eta r v। डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, जो भी ये लिक्विड या गैस है, आर रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। फिलहाल हम स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, वरना विस्कस ड्रैग सब पर लगेगा। और v क्या है? जो इसके नीचे गिरने की वेलोसिटी है, v। क्लियर हुई बात? ये ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे ये नीचे गिरती रहेगी, इसके नीचे गिरने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि विस्कस ड्रैग के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जैसे जैसे और ज्यादा नीचे गिरेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसको अपोज करने वाली फोर्स भी लगातार क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो विस्कस ड्रैग है, इसको अपोज करने वाली फोर्स इस बॉडी के वेट mg के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, साथ में एक फोर्स और यहां काम कर रही है। एक फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बेयोंसी। फोर्स ऑफ बेयोंसी, बेयोंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाली, अपथ्रस्ट जिसे हम, अपथ्रस्ट। किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में आपको एक बॉडी अगर डुबो देते हैं, किसी भी लिक्विड में आप बॉडी डुबो देते हैं, तो क्या होता है? ये लिक्विड इस बॉडी के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स एक फोर्स लगानी शुरू कर देता है, जिस फोर्स को आप बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बोलते हैं। याद है किसी को कि ये फोर्स कितनी होती है? अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑफ बेयोंसी कितनी होती है? फोर्स ऑफ बेयोंसी कितनी होती है? क्या जितनी नीचे के साथ? फिर तो कोई डूबेगा नहीं कभी पानी में। अगर अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और उतनी है जितनी नीचे लग रही, तो कोई डूबेगा ही नहीं पानी में कभी। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट? किसका? लिक्विड का। थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूज कर रहे हो।
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये आपका एक लिक्विड है और लिक्विड को आपने बर्तन के अंदर पैन के अंदर पूरी तरह भरा हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ है, आपने इसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, तो पत्थर का टुकड़ा लिक्विड के अंदर जगह बनाने के लिए कुछ लिक्विड को बाहर निकाल देगा ना, जितना लिक्विड इसने बाहर निकाल दिया, दिस इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इस लिक्विड का जितना वेट निकल कर आएगा, वेट नॉट मास, वेट, वही वेट के इक्वल इस पर क्या होगी, अप थ्रस्ट हो जाएगी। तो यहां अब आप देखिए, यहां आप इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, एक फोर्स काम कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, कौन सी, अप थ्रस्ट, और एक और वर्टिकली अपवर्ड काम कर रही है, कौन सी, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, drag, याद रखिए विस्कस ड्रैग हमेशा मोशन के अपोजिट है, विस्कस ड्रैग वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होता, विस्कस ड्रैग है मोशन के अपोजिट, लेकिन क्योंकि यहां मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वर्टिकली डाउनवर्ड के अपोजिट विस्कस ड्रैग क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, विस्कस ड्रैग कहां हुआ, वर्टिकली अपवर्ड हुआ। अगर बॉडी लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है तो विस्कस ड्रैग राइट टू लेफ्ट होगा, फ्रिक्शन ही तो है ये, हमेशा फ्रिक्शन भी हमेशा कहां लगता है, अपोजिट टू मोशन। अब इस बॉडी को मैं अपने आप से आपकी तरफ मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां काम कर रहा है, आपकी तरफ से मेरी तरफ, और मैं इस बॉडी को मूव करने लगूं आपसे अपनी तरफ को तो अब फ्रिक्शन कहां काम कर रहा है, मुझसे, ये तो हमेशा अपोजिट ही काम करता है, लिक्विड का फ्रिक्शन उसको हमने क्या कह दिया, विस्कस कह दिया, विस्कस ड्रैग कह दिया, क्योंकि यहां मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो विस्कस ड्रैग भी कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड्स है, करेक्ट। तीन फोर्सेस आ गए, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स और दो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितना फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा mg, मास को हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी हुई उसकी डेंसिटी रो है, और क्योंकि हम स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी न्यूटन। रो क्या है यहां, रो क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, अगर लोहे की बनी हुई है तो लोहे की डेंसिटी लोगे, अगर ये कॉपर की बनी हुई है तो कॉपर की डेंसिटी लोगे, अगर ये चांदी की बनी हुई है तो चांदी की डेंसिटी लोगे, लकड़ी की बनी हुई है तो लकड़ी की डेंसिटी लोगे। आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ बॉडी, इस बॉडी की अपनी रेडियस है, क्लियर है इतनी बात। ये तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स, अब वर्टिकली अपवर्ड्स कितनी फोर्सेस हैं, दो दो फोर्सेस है, अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स, तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कितनी है, वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स कितनी है, दो फोर्सेस के इक्वल है ये, एक तो अप थ्रस्ट प्लस विस्कस ड्रैग, अप थ्रस्ट कितनी होती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी प्लस विस्कस ड्रैग। अब वेट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी कितना होता है, वेट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ये कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं हम, वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स,
अब विस्कस अपथर्स, अब तक कितना है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, कौन सा वेट डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी प्लस कौन सा विस्कस ड्रैग। अब वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वही बात सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इंटू जी, वेट क्या होता है मास इंटू जी, प्लस विस्कस ड्रैग। और मास कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे हम लिख दें, चलो नहीं अभी मास को हम निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इंटू रो नहीं। देखो जब हम बात कर रहे हैं मास ऑफ लिक्विड तो फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया जाएगा, यहां भाई मास हम लिक्विड का फाइंड कर रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी जी, ये है सिग्मा, सिग्मा आधा न है ना, सिग्मा जी, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस विस्कस ड्रैग। अब जब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यहां आपने पानी में ये पत्थर डाल दिया तो कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, कितने वॉल्यूम का लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, जितना इसका मास है। वॉल्यूम और मास कैसे इक्वल हो जाएंगे, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना बॉडी का वॉल्यूम है। तो अब देखना बहुत ध्यान से, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है सभी को कि जी अभी तो लिक्विड की बात कर रहे हैं, अब आप कह रहे हो क्या वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जबकि बॉडी पूरी तरह से ढूंढी हुई, अभी तो लिक्विड था, अब बॉडी पे कैसे आ गई जी, क्योंकि लिक्विड जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना बॉडी का अपना वॉल्यूम है इंटू सिग्मा जी प्लस विस्कस ड्रैग। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, पीछे हम कर चुके हैं 4/3 πr³ सिग्मा जी, विस्कस ड्रैग क्या था 6 πe² rV, ये नेट फोर्स हो गई, कौन सी फोर्स हो गई, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स हो गई, हाँ r³ 4/3 πr³। अब यहां देखिए इस वर्टिकली अपवर्ड फोर्स में एक वेलोसिटी क्वांटिटी आ रही है जो वेरिएबल है, वेलोसिटी, आपने बॉडी को छोड़ा यहां से तो वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, लगातार वेलोसिटी बढ़ती गई चली गई, बढ़ती चली गई, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली गई, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ विस्कस ड्रैग बढ़ता रहेगा, और विस्कस ड्रैग को जब आप जोड़ देंगे किसमें, अपथर्स्ट में, तो इसका मतलब क्या, टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बॉडी यहां गिरी, अभी जब तक ये रुकी हुई तब तक इस पर अपवर्ड केवल अपथर्स्ट तो काम करेगी, चाहे रुकी हुई है चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपथर्स्ट तो गिरते गिरते क्या हुआ इसमें, गिरते गिरते अब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी और विस्कस ड्रैग बढ़ने लगा और टोटल अपवर्ड फोर्स बढ़ने लगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि अब अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग दोनों जुड़कर किसके बराबर हो गए, दोनों जुड़कर टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो गए, ठीक है। जितनी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रही है उतनी ही वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अब इसके साथ क्या होगा, यहां वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वेट ज्यादा था, अपवर्ड फोर्स कम था, गिरने लगी
यहां आई और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई बढ़ती हुई, बढ़ते बढ़ते अब यहां इस कंडीशन पर पहुंचकर अपवर्ड फोर्स नेट दोनों का सम और डाउनवर्ड फोर्स वेट दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसके बाद यहां इस पॉइंट के बाद में इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है, नेट फोर्स जीरो हो गई। अब यहां जितनी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है उतनी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, नेट फोर्स जीरो। इस टाइम आप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, चेयर का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, चेयर का रिएक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड आपका वेट दोनों आपस में इक्वल है, नेट फोर्स इस समय आप पर क्या है जीरो, नेट फोर्स क्या है जीरो। तो ऐसी इस पर जब नेट फोर्स जीरो होगी तो इसके साथ क्या होगा, अभी इसका साथ क्या होगा, जोर से बोलो जोर से बोलो सबके सब एक बार हाँ जी, कौन कौन एग्री है कि बॉडी यहां आकर के रुक जाएगी, रेज योर हैंड्स। कौन कौन एग्री है कि बॉडी जब वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल हो गए तो ये बॉडी अब वहीं रुक जाएगी जहां दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गए। लड़कों में कोई भी एग्री नहीं है, लड़कों में कोई एग्री नहीं है, लड़कियों में ये एग्री है। अच्छा, बाकी जिनके हाथ नहीं उठे हैं वो डिसएग्री है या उन्हें कुछ नहीं पता, डिसएग्री, कौन डिसएग्री है बताओ जरा, कौन डिसएग्री इस बात पर कि ये रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, ये कौन डिसएग्री है, लड़कों में से ज्यादातर डिसएग्री है। अच्छा, लड़कियों में भी कुछ है डिसएग्री, ओके ओके ओके, बाय बाय। कुछ आप में से एग्री है कि बॉडी वहीं रुक जाएगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, जैसे कि इस समय हमारे पास हमारे ऊपर नेट फोर्स जीरो है, हम रुके हुए हैं। और कुछ डिसएग्री हैं, जो डिसएग्री वाले वो डिसएग्री क्यों है, पहला कौन कौन आप में से कौन से डिसएग्री, कोई रीजन दे सकता है कि ये क्यों है। चलिए एक काम करते हैं, आज लड़कों के कुछ के हाथ उठे हैं तो लड़कों में से ही एक बार फिर से आप जरा हाथ उठाइए, कौन डिसएग्री थे इस बात पर, लड़कों में से हाथ उठाइए ताकि आपसे इसका रीजन पूछा जाए। अच्छा, रीजन बताने के नाम पर सब नीचे में झुके जा रहे हो, रीजन नहीं है किसी के पास भी, तुक्का मारा था हमने तो, हमने तो कुत्ता मारा था एक और वो मरा नहीं, भाग गया, लड़कों ने सबने कुत्ता मारा था वो भाग गया, लड़के ने भी कुत्ता मारा है क्या, तुक्का कह दो कुत्ता कैसे की बात है, अगर मर जाए तो तुक्का और भाग जाए तो कुत्ता आपने तो मारा है, अगर मर गया तो तुक्का और भाग गया तो कुत्ता हाँ जी, कौन बताएगा रीजन, कौन रीजन बता सकता है कि डिसएग्री करो, कॉन्टेक्ट में क्या मतलब, आप ये कहना चाह रही कि हम कॉन्टेक्ट में इस टाइम, हम इस फर्श के कॉन्टेक्ट में है इसलिए वो हवा में है, सुनो देखो एक हेलीकॉप्टर है यहां हमारे छत के ऊपर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर पर अर्थ का ग्रेविटेशन वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और जो उसका हवा का थ्रस्ट है, हेलीकॉप्टर का पंखा घूम रहा है उसका, उसमें जो एयर है वो हवा का थ्रस्ट ऊपर की तरफ है, दोनों इक्वल है, कॉन्टेक्ट में तो किसी के भी नहीं है, हवा में लटका हुआ है वो, कॉन्टेक्ट में है क्या किसी के, भाई यहां अप थ्रस्ट नहीं है हेलीकॉप्टर पर, वो एयर थ्रस्ट है जो उसके पंखे से हो रही है, अपवर्ड एयर थ्रस्ट और डाउनवर्ड वेट दोनों आपस में इक्वल हो गए, लटक गया, नहीं उस पर भी लग रहा होगा विस्कस ड्रैग, भाई नेट फोर्स जीरो है, चाहे किसी भी तरह से जीरो ही है, नेट फोर्स जीरो है तो अब क्या होगा, वही रुक जाएगा वो, नहीं रुकेगा क्या, हेलीकॉप्टर, नहीं नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर रुका खड़ा है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर रुका खड़ा है, ना आगे चल रहा ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पर हेलीकॉप्टर का डाउनवर्ड वेट और जो इस हेलीकॉप्टर रुक जाता है हवा में एक ही जगह, बिल्कुल एरोप्लेन नहीं रुकता, हेलीकॉप्टर रुक जाता है अपनी जगह, अरे बिल्कुल रुक जाता है भाई, कई पिक्चरों में दिखाते थे वही रुका हुआ,
पिक्चरों में गलत दिखा देते हैं। चलिए बात आपकी सही है, जो डिसएग्री उन्हीं के बात सही है कि ये हवा में रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स जीरो होने का मीनिंग मोशन जीरो होना नहीं है। जब आप अपनी बाइक पर चल रहे हैं, आप बाइक पर कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हैं 60 की स्पीड पर, अब भी आपकी बाइक पर नेट फोर्स जीरो है। फ्रिक्शन जो उसे रोक रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और आपके इंजन का फोर्स जो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला रहा है, दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल हो गए, आप कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हैं। जब आप एक्सीलेटर और ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब आपके इंजन की फोर्स ज्यादा हो गई, इंजन की फोर्स ज्यादा हो गई, एक्सीलरेशन आ गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जीरो एक्सीलरेशन, मोशन जीरो होना नहीं है, मोशन जीरो होना नहीं है। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो मोशन में ही चलती रहेगी, मोशन में बनी रहेगी, उसका मोशन ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहेगी। क्या हुआ हिसाब कि यहां से आपने बॉडी को गिराया, जैसे जैसे नीचे गिरी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया कि अपवर्ड फोर्स बढ़ते बढ़ते इसके वेट डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो गया। अब ये और आगे गिरने के टाइम पर इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, एक स्पीड जो बंद गई जहां तक इंक्रीज हो सकती थी वहां तक इंक्रीज हो गया, अब उसी स्पीड से लगातार ये नीचे गिरता चले जाएगा। समझ रहे हो, यही फिनोमिनन यूज किया जाता है पैराशूट में, पैराशूट के लिए, कि पैराशूट आपने खोल दिया, उस पर ड्रैग, इसको इतना बड़ा वॉल्यूम कर दिया, रेडियस इतनी बड़ी बना दी, विस्कस डेंसिटी पाई ईटा आरवी, आर आर की वैल्यू बहुत बड़ी कर दी आपने, इतना बड़ा। एक आदमी जो पैराशूट से नीचे उतर रहा है, उसका पैराशूट इतना बड़ा होता है, उसके अंदर 400-500 आदमी बैठ जाए पैराशूट के अंदर, तो ड्रैग आपने बढ़ा दिया, अब विस्कस ड्रैग बहुत तकड़ा हो गया, अब थ्रस्ट तो लग ही रहा था जो भी था वो, और दोनों मिलकर के वेट के इक्वल हो गए, वेट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पैराशूट। अब जितनी स्पीड पर उसने पकड़ ली नीचे गिरने की, बस उसी स्पीड पर लगातार नीचे गिरता रहेगा, अब स्पीड बढ़ेगी नहीं। अगर रुक गया तो पैराशूट से कभी नीचे आ ही नहीं सकते, फिर तो वहीं के वहीं तैरते रहेंगे आराम से, मजे लेंगे बादलों में, नहीं भाई सिंपल सी बात है, फिर तो एरोप्लेन में बैठो, कूद जाओ, अपना सारे दिन मजा लो, फिर पैराशूट बांध लो ऊपर ही, नीचे आ जाएंगे, एसी वेसी की कोई जरूरत ही नहीं है, गर्मियों में अपना वहीं बादलों में रहो। हाँ बताइए, नहीं किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है, वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक ये यहां से इसने गिरा शुरू करा, यहां इसने वेलोसिटी अटेन कर ली जितनी मैक्सिमम इसकी हो सकती थी, अब इतनी ही वेलोसिटी से नीचे आता रहेगा, जब जमीन पर आगे आएगा तो रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो विस्कस ड्रैग भी खत्म हो जाएगी, आप थ्रस्ट अब भी काम कर ही रहा है इसके ऊपर। क्या कंफ्यूजन, मोशन स्पीड कांस्टेंट हो गई, मोशन रुका नहीं है, रुकी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो गई, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा ओहो हो, हाँ ये सही जगह पहुंच गई, बिल्कुल सही जगह पहुंची, बिल्कुल ये कह रही है कि जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जी की वैल्यू बढ़ने के साथ में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बढ़ता चला जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हाइट इतनी ज्यादा है जो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर बहुत ऊंचाई पर से प्लेन में से कूद रहे हैं तो ठीक है, ऊपर जी की वैल्यू कम होगी और नीचे आकर जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो विस्कस ड्रैग थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी, विस्कस ड्रैग और बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली कंडीशन वही आ जानी है कि ये एक बंधी हुई स्पीड से ही नीचे गिरेगा। ठीक सोचा आपने, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इतनी हाइट की कि यहां भी और यहां भी दोनों जगह जी की वैल्यू सेम है, तो फिर ये कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे गिरती रहेगी।
अब जितनी इसकी स्पीड हो गई है कांस्टेंट, इस स्पीड को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है तब क्या होगा? व्हेन बॉडी अटेन व्हाट? टर्मिनल स्पीड, तो फिर अब आपकी क्या बन जाएगी? आपकी नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? नेट अपवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? 4/3 πr³ρg। रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। अपवर्ड फोर्स कितनी है? 4/3 πr³ σg प्लस आर, और वी को हम टी लगा देते हैं, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी पर आ गया। यहां ध्यान रखिए सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और जो बाहर लिक्विड है या एयर है इसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा, और ऊपर इसकी रो। क्लियर है इतनी बात? अब हमें फॉर्मूला बनाना है वी टी का, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। इसे इधर ले लीजिए, ये बना आपका। एक काम करें, पाई तो है ही, यहां खत्म कर दें इस पाई को। तो ये बना 6 ईटा। अच्छा, एक आर भी खत्म हो जाएगा, 6 ईटा वी टी, और यहां से बचा आपका 4/3 πr खत्म हो गया, r² ρg माइनस 4/3 r² σg। कुछ और भी यहां से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो अपॉन में आकर के ये बन जाएगा 2/9, 2/9, और ये बचा आपका यहां रो, और यहां बचा सिग्मा, और कॉमन आ गया r²g। इधर से क्या बचता है आपका? 6 तो हमने खत्म कर दिया, ईटा vt, और vt का अब आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स 2/9 ईटा r²g ρ - σm/s। ये आपकी बन गई टर्मिनल वेलोसिटी। और ध्यान से देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। जिसकी रेडियस छोटी होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी छोटी होगी। चींटी है, चींटी का साइज, चींटी की रेडियस बहुत कम है, इसलिए उसके गिरने की टर्मिनल वेलोसिटी भी कम है। चींटी को आप यहां से छोड़ दीजिए, वो 2-4 सेंटीमीटर तो गिरेगी, उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, और 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर गिरते ही उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। अब वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती रहेगी, और वो इतनी कम स्पीड है जिसका झटका चींटी की टांगे आराम से झेल लेती हैं। तो आप चाहे चींटी को 2 मंजिल से गिरा दो या 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरा दो, वो तो फ्यू सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है, टर्मिनल वेलोसिटी जो कि बहुत कम है उसके लिए। इसी तरह बातें बूंदे की, जब बिल्कुल बारीक बारीक सी फुहार है, जब बारीक बारीक सी फुहार है तो वो फुहार में रेडियस ऑफ ड्रॉप्स इतनी छोटी है कि उनके लिए टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम, इसलिए वो आपको आराम आराम से गिरती हुई दिखाई देती है। जब बूंदे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं, तो उनके लिए टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो आपको तेजी से लगती है आपके चेहरे पर। और बादलों का हवा में टिके रहना भी यही है, बादलों के अंदर पानी है लेकिन पानी वो बाल्टी में भरा हुआ नहीं है, टंकी में भरा हुआ नहीं है, वो पानी है छोटी छोटी ड्रॉप्स की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में। जब ये बूंदे आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं, तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है जमीन पर गिर के, लेकिन जब तक वो आपस में मिली नहीं है, दूर दूर है, तब तक उनकी टर्मिनल वेलोसिटी जीरो है। इतनी छोटी छोटी बूंदे हैं कि उनके गिरने की वेलोसिटी, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, इसलिए वो
आसमान में ही टिके रहते हैं सारे बादल। क्लियर हुई बात? छोटी छोटी बूंदें मिलकर के आपस में बड़ी हो जाएंगी, रेडियस बड़ा हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी, तो ज्यादा तेजी के साथ नीचे गिरनी शुरू कर देंगी। क्लियर कीजिए इसे सारे को, फिर थोड़ी सी बात इसमें हम लिख लें। जब बादल फटता है तो बादल फटने के केस में फिर वो बूंदे, बहुत सारी बूंदे बहुत तेजी के साथ मिल करके एक धार बना लेती है। जब हमारे यहां बारिश होती है तो 1000 छोटी छोटी बूंदों ने मिलकर एक बड़ी बूंद बना ली, वो बूंद नीचे गिर गई। लेकिन जहां बादल फटता है वहां कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि उस बादल में जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो लाखों करोड़ों अरबों ड्रॉपलेट्स मिलती हैं एक साथ, तो वो बूंद नहीं, फिर तो पानी की पूरी धार बना देती है, पानी की बहुत बड़ी धार बना देती है, उसी को हम बादल फटना कहते हैं। लेकिन फटने से पहले बादल में वही है, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो है। करेक्ट कीजिए इसे। When a body move through a liquid, layers of liquid just in contact of body, moves along the body, and the farther layers moves with smaller speed, and the farther layers moves with smaller speed. In this way, a velocity gradient is developed. Velocity gradient is developed between different layers. This relative motion gives rise to a viscous drag. Which tends to oppose the motion of body. The viscous drag on the spherical body. Is given by F equals 6 pi eta RV Newton. 6 pi eta RV Newton. Clearly, larger the viscous drag on it, and the viscous drag increases as the velocity of body increases. Velocity of body increases. ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिखते हैं इसमें,
टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी फॉल थ्रू अ लिक्विड, व्हेन ए बॉडी फॉल थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड की बात है, फ्लूइड वो गैस भी हो सकता है। व्हेन ए बॉडी फॉल थ्रू अ फ्लूइड इट्स वेलोसिटी एंड हेंस विस्कस ड्रैग, इट्स वेलोसिटी एंड हेंस विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन इट विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू सर्टेन वेलोसिटी, गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू सर्टेन वेलोसिटी। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये डायग्राम, और उसके बाद पूरी डेरिवेशन करते हैं।